Okay, so children, after understanding how to break up the numbers, now we will understand about the number just before and the number just after. Okay, so we are going to solve our next exercise on page number 14, 1414. Okay, so see, read the question first. Write the number just after यानि बिल्कुल उसके बाद, ठीक है, just after, and the number just before the given numbers, okay, just before means बिल्कुल उसी number के पहले, कौन सा number आता है, like 2 after 3 and 2 before 1, just before and just after, okay, one digit मैंने explain किया है, next 24 after 25, 24 before 23, just before and after. Now, three digit number. See, suppose 114, okay? 114. So, just before, last two digit जो है, वो हमें देखना है. You can see, last two digit, 1414. So, 1414 before 13. That means 113 है ना, जो कि 3 digit number है, so we can write 113 and just after 114 after 15, so 115, आया समझ में? Now they will give us 4 digit numbers, अब हमें जो है उन्होंने 4 digit numbers दिए है, that means you need 10, 100 and 1000, okay, 1000. You need to draw this table and within three columns, having three columns, हमें three columns बनाने हैं. First number, just the number just before and the number just after. Okay. Okay. So our first question, yeah, that means first number is 2999. Okay. 2999. अब हमें see, we all know 99 after, that means 99 में अगर हम one number add करते हैं, so we got 100, okay, so 99 after 100, so 999, that means 999 after, that means 999 plus 1, उसमें 1 number अगर हम add करते हैं, so we got 1000, okay? अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, last 3 digit 999 after 100, 999 after 200, now 2999 after 3000, है ना? यहाँ पर हमें before का column है, बस पहले हम क्या करेंगे? Okay, so before में अगर आप देखोगे 99 before, that means 99 minus 1 number हम minus करेंगे, that means पीछे आएंगे 9 minus 1 8, okay, 98, so 2999 before 2998, है ना, 998. Now, just after, that means हमें इस number के बाद नहीं देखना है, जो हमारा main question है, बिल्कुल उसी number का before and after, just before and just after number जो है, हमें बताना है. Okay, इसे हमें, ये हमारा answer है, so answer से related नहीं होगा हमारा next जो column है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड होगा. बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और ये नंबर सॉल्व होने के बाद इसी नंबर का आगे के कॉलम में आंसर लिख देते थे, तो ये रॉन्ग होगा. हमें इसी नंबर का, अब हमने बिफोर, जस्ट बिफोर नंबर जो है आंसर हमने किया है कंप्लीट, अब हम जस्ट आफ्टर देखेंगे, सो 2999 आफ्टर 3000, ओके, सी 2999 plus 1. Just one step हमें आगे जाना है. We have to go only one step after.
सो 9 प्लस 1 10 अगेन 10 10 एंड 3 ओके सो 3000। अगर आपको कैलकुलेशन में सपोज कंफ्यूजन हो रहा हो या डिफिकल्टीज लग रही हो तो आप इस तरह से वन नंबर को ऐड करके भी आफ्टर नंबर लिख सकते हो, ठीक है। एंड बिफोर नंबर के लिए हमें वन माइनस करना होगा, ओके। नेक्स्ट 3800, सिंपली 3800, सो 800 आफ्टर 801, है ना, 800 आफ्टर 801। सो हम आफ्टर में लिखेंगे 3801। नाउ बिफोर, अब हमें इसी नंबर का बिफोर नंबर यानी 800 बिफोर, सो 100 बिफोर 99, ओके, 200 बिफोर 199, 300 बिफोर 299, 400 बिफोर 399, सो 800 बिफोर 799, 8 के पहले कौन सा नंबर आता है 7, सो 3799 जस्ट बिफोर, ओके, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। हमें उसी नंबर का आफ्टर एंड बिफोर वन वन स्टेप क्या करना है, बिफोर आफ्टर करना है, ओके। नेक्स्ट सी 7798, सो लास्ट यू कैन सी लास्ट टू डिजिट नंबर 98, सो 98 आफ्टर 99 एंड 98 बिफोर 97, है ना, 8 के पहले 7 आता है, 8 के बाद 9 आता है, सो बिल्कुल उसी तरह से हम नंबर लिखेंगे ओनली 7797, वन स्टेप जो है हम पीछे जाएंगे बिफोर में 7797, ओके। नेक्स्ट जस्ट आफ्टर, जस्ट यानी बिल्कुल उसके बाद 7799, 98 आफ्टर 99, ओके, आफ्टर बिफोर। नेक्स्ट 1000, नाउ 1000, सो 1000 बिफोर, कौन से नंबर के बाद 1000 आता है बच्चों, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया 99 आफ्टर 100, 999 आफ्टर 1000, है ना, हमने 999 में वन नंबर जो है ऐड करने के बाद हमें कौन सा नंबर मिला है, वी हैव गॉट 1000, सो 1000 बिफोर 999 एंड 1000 आफ्टर 1001, है ना, लाइक 100 आफ्टर 101, सो 1000 आफ्टर 1001, सो 1001, वन इज इन यूनिट प्लेस, ओके। नेक्स्ट 3459, यूनिट टेंस 100,000, सो 59, लास्ट टू डिजिट जो है हम उसे उस पे फोकस करेंगे 59, सो 59 बिफोर, जस्ट बिफोर 59 बिफोर 58, सो 3458, बिल्कुल कामली नंबर्स को जो है माइंड में लेना है, सोच समझ कर फिर हमें आंसर लिखना है, ठीक है। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रहा तो आप वीडियो को जो है फिर से दोबारा से दो तीन बार भी अगर आप चाहो तो रिपीट करके देख सकते हो, फिर आप हो सकता है कि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ रहा हो। सो 59 बिफोर 58, 3458, 1000 की और 100 की प्लेस जो है उसे बिल्कुल वो चेंज नहीं होगी, हमें बस टेंस एंड यूनिट की प्लेस पे ही ध्यान देना है, ओके। नाउ आफ्टर, सो 59 आफ्टर, जी बच्चों बताइए 59 आफ्टर, 51, 52, 53, यस काउंटिंग कीजिए, 59 आफ्टर 60, है ना, 60, 60, सो 3460, जस्ट आफ्टर 3460, वन वन स्टेप हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है एंड रिड्यूस करना है, वन स्टेप रिड्यूस एंड वन स्टेप उसमें ऐड करना है, ठीक है। नेक्स्ट 5008, यूनिट टेंस 100,000, सो 5008 वी कैन रीड एज, सबसे पहले तो हमें नंबर को रीडिंग करने आना चाहिए, अगर हम रीडिंग
प्रॉपरली नहीं करते हैं तो हम जस्ट आफ्टर एंड जस्ट बिफोर जो है वो नहीं लिख पाएंगे. ओके, तो प्रॉपरली हमें नंबर को रीडिंग करने आना चाहिए. सो 5008 सिंपली सिंगल यूनिट की प्लेस पे सिंगल नंबर है और टेंस एंड हंड्रेड की प्लेस एम्प्टी है, दैट मीन जीरो है. तो हम इसे ही बिफोर आफ्टर देखेंगे. एट बिफोर सेवन, दैट मीन्स 5007 एंड जस्ट आफ्टर 5009, एट आफ्टर 9, सो 5007 जस्ट बिफोर एंड 5009 जस्ट आफ्टर. होप यू अंडरस्टूड चिल्ड्रन. अच्छे से आपको सारे नंबर्स को जो है प्रॉपर में माइंड में सेट करना है. फिर जस्ट बिफोर यानी उससे पहले कौन सा नंबर होगा वो लिखना है. फिर जस्ट बिफोर बिल्कुल यही नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है वो लिखना है. ठीक है, सो सॉल्व दिस टेबल इन योर नोटबुक ट्यूशन बुक. ओके ओके, सो हियर आवर एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 14 इज कंप्लीट. ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स सॉल्व अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑन सेम पेज, पेज नंबर 14. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. ओके, यस वी नीड टू ड्रॉ वन मोर टेबल हैविंग थ्री कॉलम. ओके, नंबर स्मॉलर बिगर. ओके, नाउ सी चिल्ड्रन, वी ऑल नो दैट बिफोर नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन आफ्टर नंबर. ओके, जो पहले नंबर आता है वो हमेशा स्मॉल होता है, छोटा होता है आफ्टर नंबर से. लाइक 12 आफ्टर 13. ओके, सो 12 इज स्मॉलर देन 13. जो पहले नंबर आया है हमारा 12, वो 13 से स्मॉल होता है ना. वी ऑल नो दैट. सी नाउ हियर दे गिव अस टू नंबर्स विच इज फोर डिजिट. ओके, 1, 2, 3, 4 यूनिट टेंस हंड्रेड थाउजेंड हैविंग टू नंबर्स इन नंबर कॉलम. नाउ वी नीड टू फाइंड विच इज द स्मॉलर एंड विच इज द बिगर नंबर. ओके, इन सेम कॉलम, एक ही कॉलम में हमें दो नंबर दिए गए हैं, हमें इन दो नंबर में से फाइंड करना है कि कौन सा नंबर स्मॉल होगा एंड कौन सा नंबर बिग होगा यानी बिगर होगा. ओके, विच इज द स्मॉलर एंड विच इज द बिगर नंबर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द नंबर फर्स्ट. ओके, फर्स्ट हम रीड करेंगे नंबर को 2123 एंड 1968. ऑब्वियसली 2000 एंड 1000 प्लेसेस पे ध्यान देना है. 2 इज बिगर देन 1 है ना, दैट मीन्स इन दो नंबर में से जो बिगर नंबर है वो होगा 2123. सो हमें बिगर नंबर को बिगर के कॉलम में लिखना है 2123 एंड स्मॉलर नंबर 1968. दैट्स इट, सिंपल है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट नंबर 9542. ओके, 9549 42 49, लास्ट फर्स्ट टू डिजिट जो है वो सेम है, 9595. ओके, 9500. सो हमें क्या करना है, लास्ट टू डिजिट जो है उन्हें देखना है, 42 एंड 49. सो विच इज द स्मॉलर नंबर, ऑब्वियसली 42 है ना, 42 इज स्मॉलर देन 49. सो दिस नंबर इज स्मॉलर, 9542 एंड दिस नंबर इज बिगर, 9549. ओके, नेक्स्ट सी 2342 2432 यूनिट की प्लेस सेम है, टेंस की प्लेस 4 एंड 3. नाउ हंड्रेड प्लेस, सबसे पहले तो थाउजेंड की प्लेस दोनों सेम है, 2 2. ओके, सेम नंबर इज ऑन थाउजेंड, इज इन थाउजेंड प्लेस. नाउ हंड्रेड की प्लेस हम देखेंगे, यहाँ पर 3 है हंड्रेड की प्लेस पे एंड यस 4. सो 4 इज बिगर नंबर देन 3, सो ऑब्वियसली दिस इज अ बिगर नंबर 2432. ओके, दिस नंबर इज राइट इन बिगर कॉलम 32 एंड 2000
342 is smaller. Next, here are 4-digit numbers and 3-digit number. sorry, 9999. So obviously 4-digit जो नंबर है उसमें 1000 की प्लेस होती है एंड 3-digit 100 की प्लेस होती है, यूनिट 10 100. सो 4-digit नंबर जो है वो बिगर होगा 3-digit से, है ना. डिजिट्स पे भी ध्यान देना है. सिंपली यहाँ पे 4-digit है, दैट मीन्स वही बिगर नंबर होगा. सो 9999 गोज ऑन बिगर कॉलम एंड 999 इन स्मॉलर कॉलम. ओके, आपको डिजिट पे भी ध्यान देना है बच्चों. अगर 3-digit और 4-digit होते तो उसमें भी हम स्मॉलर बिगर जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं. देन 6070, ओके, 100 की प्लेस जो है वो जीरो है, एम्प्टी है. 8079, सी 1000 की प्लेस देखिए, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 8 है. सो विच इज द बिगर नंबर? यस, ऑब्वियसली 8 इज बिगर देन 6. तो 8079 बिगर एंड 6070 इज स्मॉलर. ओके, एंड लास्ट सी 5978 7539. यहां पर हमें स्टार्टिंग में ही जो 1000 की प्लेस है उसमें डिफरेंस नजर आ रहा है, सो हमें 100 टेंस और यूनिट की प्लेस देखने की जरूरत ही नहीं है. हम तभी समझ जाएंगे कि विच इज द स्मॉलर और विच इज द बिगर नंबर. 5 इज स्मॉलर देन 7, सो ऑब्वियसली 5978 गोज इन स्मॉलर कॉलम, 5978 एंड 7539 इन bigger column. Okay, so here our table is completed. Write down in your notebook, tuition book. Okay, so यहाँ पर हमारे जो page number 14 है उसके जो exercises है वो complete हो चुके हैं. Okay.